नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे डबल कैंसिक्स पैटर्न, पीएसिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर के बारे में। इसके सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों का पीएसिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर का को देख करके क्या सेंटीमेंट रहता है समझने की कोशिश करेंगे चार्ट में। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये पीएसिंग पैटर्न है और जो कि डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है अप ट्रेंड में। देखिए इसमें मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरता हुआ जा रहा है, पिक सेंटर की मूवमेंट को बनाता हुआ और मार्केट की 12 तारीख की कैंडल है, मान लीजिए 12 तारीख की ओपनिंग हुई यहाँ पर, ओपनिंग हुई यहाँ पर और ये नीचे जाकर के क्लोज हो गया और ये बियरिश कैंडल बन गया और मार्केट की क्लोजिंग हो गई। अब नेक्स्ट डे की पहली कैंडल मान लीजिए 13 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसने अपने पिछले कैंडल के जो भी कल के जो सेलर्स थे उनको 50% से ज्यादा कवर कर लिया, 50% से ज्यादा कवर कर लिया उस बुलिश कैंडल ने जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो उसको बोला जाएगा पीएसिंग पैटर्न। ऐसे ही डार्क क्लाउड कवर है दोस्तों। मान लीजिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर की ओर चढ़ रहा है, पिक्स एंड टर्म्स की मूवमेंट को बनाता हुआ, मान लीजिए 12 तारीख की ये कैंडल है और 12 तारीख की कैंडल है जिसकी ओपनिंग हुई थी नीचे और क्लोजिंग हुई थी ऊपर। अब मार्केट हो गई क्लोज। अब नेक्स्ट डे की मान लीजिए 13 तारीख की पहली कैंडल ओपनिंग होगी, गैप ऑफ ओपनिंग होगी और पिछले जितने भी बायर्स थे जो वो बुलिश कैंडल थी उसके 50% से ज्यादा की बॉडी को बियरिश कैंडल कवर कर लेगी, तो इसको बोला जाएगा डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन। ये दोस्तों डार्क क्लाउड कवर जो है वो अप ट्रेंड को कन्वर्ट करता है डाउन ट्रेंड में और पीएसिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है अप ट्रेंड में। अब इसका सेंटीमेंट ये होता है कि मान लीजिए कल की जो 12 तारीख की जो कैंडल थी उसमें जितने भी बायर्स थे, जितने भी एग्रेसिव बायर्स थे आने वाले कल के कैंडल ने, पहले कैंडल ने, पहले दिन के पहले कैंडल ने 50% से ज्यादा उनको कवर कर लिया, यानी कि सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है शॉर्ट सेलिंग क्रिएट करने के लिए। उसी प्रकार पीएसिंग पैटर्न में जो भी कल की जो कैंडल थी बियरिश कैंडल जिसमें जितने भी ज्यादा सेलर्स थे, बहुत ज्यादा सेलर्स एग्रेसिव थे और आने वाले पहले दिन के पहले कैंडल ने पिछले दिन के सेलर्स को 50% से ज्यादा कवर कर लिया, यानी कि बायर बहुत एग्रेसिव है अब बाइंग क्रिएट करने के लिए, अब सेलर्स की नहीं चलने वाली, अब एक बाइंग प्रेशर आने वाला है जो कि मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला है। ये देखिए सेम इसमें भी पोजिशन आपको वैसे ही लेनी है कि ये आपको दिखा डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश हो बेरिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके बाद की जो दो कैंडल होगी, दो कैंडल हो, तीन कैंडल हो, चार कैंडल हो, वो इसके हाई, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंदर ही होनी चाहिए और उसके बाद जैसे ही वो ब्रेकआउट करता है तो आपको मारना होता है शॉर्ट और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। और जैसे ही ये ब्रेक करता है तो आपकी जो ट्रेलिंग का सेशन हो जाएगा वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये आएगा नीचे यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस था यहाँ से यहाँ उठ करके आ जाएगा, तो पहला जो टारगेट होगा आपका वो ये कहीं होगा, यहाँ होगा वो पहला टारगेट आपका, पहला टारगेट आपका यहाँ होगा और सेकंड टारगेट यहाँ कहीं होगा। तो ऐसे ही आपको देखना है दोस्तों ये चीजें। तो पहला टारगेट जो होगा आपका वो ये होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होगा। इसी तरह बाइंग में पीएसिंग पैटर्न में ये जो दो कैंडल बना है पीएसिंग पैटर्न का जो कैंडल बना है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखनी है बुलिश हो बियरिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद की जो दो कैंडल होगी, दो कैंडल हो, तीन कैंडल हो, कितनी भी हो, बट इसके हाई और इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। और तीसरी चौथी पांचवी कैंडल इसके हाई को, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है आपको करनी होती है बाइंग और आपका स्टॉप लॉस यहां से उठ करके यहां आ जाएगा। तो पहला टारगेट हो जाएगा आपका ये और सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा यहां कहीं पर, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट वो ऊपर वाला। तो आपको ऐसे ही चीजें देखनी है कि दो कैंडल तो इसके अंदर होनी ही चाहिए,
इसके हाई और उसके लो के बीच में दो कैंडल तो आपको देखनी है, दो कैंडल तो कंपलसरी है, तीसरी कैंडल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बस तीसरे कैंडल से आपको ब्रेकआउट देखना है आपको। तीसरी कैंडल कर दे, फोर्थ कैंडल कर दे, फिफ्थ कैंडल कर दे, कोई मैटर नहीं करता कितनी भी कर दे, बट दो कैंडल तो इसके अंदर होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी बेस्ड मैंने आपको ये कैनसिक्स पैटर्न पे काम करना सिखाया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।